सो हे गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरा नाम मनीष सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजी। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एडजस्टमेंट लेयर्स के अंदर दो और एडजस्टमेंट लेयर्स, जो कि सबसे पहली है इन्वर्ट। इन्वर्ट क्या होता है? बेसिकली इन्वर्ट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी लेयर है, एडजस्टमेंट लेयर है, जिसके अंदर कोई आपको कोई भी सेटिंग करने को नहीं मिलेगी। ये जस्ट एज इट इज लेयर आती है, इसके अंदर कोई भी सेटिंग्स आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको एडजस्टमेंट लेयर्स में जाकर इन्वर्ट पे क्लिक करना और ये जो है अप्लाई हो जाएगी। इसके नीचे जितनी भी लेयर्स होती हैं एडजस्टमेंट लेयर्स में, मैं सारी बता रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें होती है, ये सारी की सारी नीचे जितनी भी लेयर्स हैं सब पे जो है आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, जो इन्वर्ट वाली चीज़ है, ये अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस लग रही है तो आप इसको प्ले कर सकते हो इधर ओपेसिटी के साथ। सो अगर आप देखिए ओपेसिटी के साथ, तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आता है दैट इज़ 50 के ऊपर आपके पास में लीस्ट अमाउंट ऑफ, आपके पास में जो भी डिटेल्स है लीस्ट अमाउंट ऑफ होती हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे बहुत ज़्यादा, तो आपको एक बहुत हल्का सा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अदरवाइज आपको एक जस्ट एक ग्रे स्क्रीन देखने को मिलेगी। इन्वर्ट बेसिकली यही चीज़ होती है। ये क्या करता है, जो आपके वाइट्स हैं उनको फुल ब्लैक कर देता है, जो आपके फुल ब्लैक है उनको फुल वाइट कर देता है। सो बिल्कुल जस्ट इन्वर्ट कर देता है। और यही सेम चीज़ अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा इन्वर्ट, बहुत जो इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो अब या तो ओपेसिटी के साथ प्ले कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फिर भी वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप जो है इन्वर्ट को खुद अपने आप बना सकते हो। कैसे? सिर्फ एक लेयर का यूज़ करके, दैट इज़ लेवल्स। मैंने पहले भी आपको लेवल्स के अंदर बताया था, तो लेवल्स में जाना है। यहाँ पे जो ब्लैक वाला स्लाइडर है इसको सबसे इधर लेके चले जाना है, और जो वाइट वाला स्लाइडर है उसको इस तरफ में लेके चले जाना है। सो कुछ इस टाइप का आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब ये आपके ऊपर है, टोटली आप कस्टम बना रहे हो, राइट? तो आपको सारी सेटिंग्स जो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, जैसा भी चेंजेस करने हैं, जो भी चेंजेस करने हैं इन्वर्ट के साथ में, और जो भी आप करना चाहो यहाँ पे पूरी आपके पास में सेटिंग्स खुल जाएगी। तो जैसा भी आप करना चाहो आप लेवल्स के साथ में इन्वर्ट को ही यूज़ कर सकते हो, राइट? ये थी हमारी इन्वर्ट। अब सेकेंड हमारी है पॉस्चराइज। बेसिकली पॉस्चराइज क्या करता है, ये सिंपली हमारे कलर्स को, हमारी जो स्क्रीन के ऊपर, हमारी जो पिक्चर के ऊपर जितने भी कलर्स हैं उनको 6 कलर्स में डाल देती है। अब 6 कलर्स कौन कौन से हैं मैं ज़रा आपको यहाँ पर डाल के बता दूँ, फिर अपन इसको ये एक बार ट्राई भी करके देखेंगे कि पक्का यही 6 कलर आते हैं कि और भी कोई कलर आता है, राइट? सो ये सबसे पहला आता है हमारा फुल रेड, राइट? जिसका कोड होता है R255G255B255, राइट? फिर आता है हमारे पास में एक और जी एंड देन बी। सो यहाँ पे जी लगा देते हैं। जी का आता है हमारे पास में R0 जाएगा और G255 हो जाएगा। सो ये ग्रीन होता है। एंड थर्ड वन इज R और G00 और B255। सो RGB आता है, और साथ में हमारे पास में तीन कलर्स और आते हैं। कौन से? पहला होता है हमारे पास में सियान। सियान कैसे बनता है? R255 करना और G255 करना, सॉरी B255 करना, नॉट G250, अपने को जो है B को 255 करना है, तो आपके पास में मेजेंटा बनता है। और अगर अपन 255 इस पर करें सीरियस, सो अब हमने क्या किया, ग्रीन और ब्लू। अब अगर आप देखिए ये सियान कहाँ पे फॉल कर रहा है, ये ब्लू वाला है और ये ग्रीन कलर है, इन दोनों के बीच में हमारे पास में यहाँ पे सियान फॉल कर रहा है, तो इसलिए आपने जो है जी और ब्लू को फुल कर दिया। अब मेरे को येलो बनाना है, तो ये किन दो कलर्स के बीच में फॉल कर रहा है, ग्रीन एंड रेड। तो अगर मैं ग्रीन की 255 और रेड की 255 करूँ तो हमारा उसमें कौन सा बन जाता है, येलो। और अच्छा ये बट ग्रीन का अपोजिट कलर होता है हमारे पास में मेजेंटा, तो मैं इसको मेजेंटा बना लेता हूँ। दैट इज मेजेंटा कहाँ फॉल हो रहा है, ब्लू और रेड के बीच में, तो रेड यहीं पे रहेगा, ग्रीन 0 हो जाएगा और ब्लू हो जाएगा 255, और ब्लू के अपोजिट होता है हमारा येलो। सो येलो बना देते हैं यहाँ पे, सॉरी ओके, आर हो जाएगा आपका 255 और जी हो जाएगा आपका 255, सही हो गया। और ये तीन हमारे उसमें 6 कलर्स होते हैं। अब 2 कलर्स और होते हैं, 2 कलर और कौन कौन से होते हैं अभी देख लेते हैं। सो दो जो लास्ट कलर्स हमारे पास में होते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट कलर्स होते हैं, दैट इज ब्लैक एंड वाइट, राइट? ओके, मैं इसको डबल क्लिक करके इसका भी कलर चेंज कर लेता हूँ। सो ये हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे उसमें RGBCMY, सॉरी Y,
और ब्लैक सॉरी ब्लैक एंड व्हाइट, राइट। सो ये हमारा उसमें 8 कलर्स होते हैं। अब अगर अपन चेक करें हमारे ये पॉस्चराइज लेवल, ये कितने ज़्यादा लेवल्स आपको इसमें चाहिए वो आप यहाँ से मैक्स टू मैक्स 255 लेके जा सकते हो, और लोएस्ट लोएस्ट 2, राइट। अब अगर आप देखें तो हमारी इस पूरी इमेज के अंदर से सारे कलर्स गायब हो गए, सिर्फ अपने को वो 8 कलर्स ही दिख रहे हैं। अगर आप देखें तो ये हो गया हमारा सियान, सी ये सियान है, ब्लू आ गया, ग्रीन है, ब्लैक है, येलो है, रेड है, राइट। यहाँ मैजेंटा आ जा रहा है, यहाँ ग्रीन, ब्लैक, वाइट, राइट। ऐसा कोई भी कलर नहीं है जो अलग से, जो अपन ने अभी 8 कलर देखे इनमें से कोई अलग से कोई कलर है, ऐसा कोई कलर नहीं है। जितने भी है वो सारे के सारे इन्हीं 8 कलर्स में से है। सो पॉस्चराइज बेसिकली क्या करता है, जितने भी अपने कलर्स हैं उन सबको गायब करके सारे के सारे इन 8 कलर्स के ऊपर लिमिट करवा देता है, जो कि है ये RGB, CMY और ब्लैक एंड व्हाइट, राइट। सो ये होते हैं हमारे पॉस्चराइज। आई होप कि आपको ये पॉस्चराइज कैसे काम करता है और इन्वर्ट कैसे आप खुद बना सकते हो ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।